सुशी, क्या प्रॉब्लम? रोज छोटे छोटे धक्के मारते रहे मुझे। तुम्हारा ये ख्याल है अपने हस्बैंड के बारे में? ज्यादा बनो मत। वरुण, टेकिंग केयर ऑफ दिस हाउस, गोइंग टू वर्क, डूइंग एवरी गॉडडैम थिंग। मॉम, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। Oh, no. Yeah, absolutely, it'll be done. Yes. Hey, something is burning. Exactly. तुम्हें स्मेल नहीं आई? यहीं खड़े थे ना? I was on a call, babe. होटल में तो तुम्हारी मल्टीटास्किंग स्किल्स इतनी फेमस हैं। घर पे क्या हो जाता है? अरे वो जॉब है यार, करना पड़ता है। और ये सुबह सुबह शुरू मत हो जाए यार। तो मेरा भी तो जॉब है ना, लिखना। It requires concentration. कभी बुक तो पढ़ो, तब समझ आएगा कितना फोकस चाहिए होता है। मैंने कब कहा यार डोंट राइट? But where is the space to write? कहाँ लिखूं? हॉल में लिखो, किचन में लिखो, बेडरूम में लिखो, पेपर पे लिखो। स्पेस मतलब मेंटल स्पेस। मेरे दिमाग में तो सिर्फ गैस बुक करना, बच्चों का होमवर्क, भिंडी खरीदना, धोबी का हिसाब, बस ये सब भरा हुआ है। वो धोबी को तो नौकरी से निकालना चाहिए। मुझे कपड़े हमेशा दोबारा इस्त्री करने पड़ते हैं, पता है? मेरी टाई क्यों नहीं मिलती? हर साल थोड़ा कम। मतलब लतिका, मैं ये भूल गया, प्लीज ड्रॉप कर दो। लतिका मैं स्कूल नहीं जा सकता, प्लीज मैनेज कर लेना। लतिका पूरा दिन पढ़ा लिखने के लिए, बाद में लिख लेना, पहले मेरा काम कर दो। आई मीन, तुमने कभी सपोर्ट की है मेरी राइटिंग? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट, यू कांट बी बॉदर्ड। और इसीलिए मैं आज तक अपनी नॉवल कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तुम्हें लिखना होता तो पहले ही लिख चुकी होती। You can't write, don't blame me. क्या? तुम्हारा इवेंट है ना आज शाम को, हमाल की बुक लॉन्च, राइट? परेल में। एक काम करता हूँ मैं, कैपिटल के सामने से तुमको पिकअप करता हूँ। यू नो, विल सेव टाइम। रहने दो, टाइम पे पहुंचे हो कहीं? I told you ना। Water. Varun, she's soaking wet. When did you change the diaper? Arey, like just 5 minutes ago I changed the diaper, yeah. Baby, why do so much susu, yeah? We'll get there. Let's go! Varun! Varun! Oh, you okay? Look at this mess. घर है रेलवे स्टेशन। Well, it's not the end of the world, yeah. Well, luck तो कुछ ऐसा ही रहा। And what about dinner? सारा खाना खा गए तुम लोग? Oh fuck, these choots finished everything. I'm so sorry. फ्रिज में अंडे हैं, ऑमलेट बना लो। Sure. Thanks, yeah. Oh shit, what are you doing, yeah? Making a mess. Okay, I think you've lost it right now, huh? Mm. Baby, you share the load. Share the load, my fucking ass! Match with the boys, beer with the boys, script session with the boys, and I, like a fucking fool, bust my ass every single day, feeding Arya, pumping for Arya, taking care of this house, going to work, doing every goddamn thing! Okay, chill. The boys are outside, okay? Now, this is seeming like some scene from a sitcom. I mean, I'm going to put it in my new work. But game's on. I'll deal with it later, okay? सिर्फ ब्लैकमेल तो नहीं किया ना? क्या मतलब? क्या पता बेचारी सिस्टर इनके हिस्ट्री को निकाल के ना उसे धमकी दे दी हो। तुम्हारा ये ख्याल है अपने हस्बैंड के बारे में? ज्यादा बनो मत, हाँ, काम कैसे करवाते हो पता है। अच्छा सुनो ना, तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। अगर मैं ये जॉब छोड़ दूं और कुछ और नया ट्राई करूं तो मतलब 9 साल से एक ही जॉब कर रही हूँ। सच्ची लोग पूरी जिंदगी एक ही जॉब करते हैं। नाला मुड़िया देशी मैं थक गई हूँ। सुची क्या प्रॉब्लम है? अच्छा खासा जॉब है, टाइम से घर आ जाती है, बच्चों के लिए भी टाइम निकाल लेती है, और क्या चाहिए? बच्चों के लिए टाइम निकालना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? मेरा वो मतलब। हमारी बात क्या हुई थी? अरे तो मतलब कि हम दोनों बच्चों के लिए टाइम निकालेंगे और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों शेयर करेंगे। लेकिन तुमको कैसे पता कि मैं बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ? लेकिन तुम मेरे जॉब का नेचर जानती हो यार। क्या फायदा ऐसा काम का जहाँ तुम्हें ये तक याद नहीं कि तुम्हारी फैमिली भी है। श्री, तुमने मुझे कहा था कि तुम ये जॉब छोड़ दोगे और कुछ नया ट्राई करोगे जहाँ तुम्हें फील्ड में धक्के न खाने पड़े। फील्ड वर्क कहाँ कर रहा हूँ? पूरे दिन ऑफिस में फाइलें घुमाता रहता हूँ यार। You know what the problem is? What? तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी जॉब को लेके मैं अंडरस्टैंडिंग दिखाऊं, बट मेरी जॉब को लेके तुम्हारी साइड से इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कभी ये जानने की कोशिश की है कि मेरी जॉब में क्या मैं खुश हूं या नहीं? You know what? I've made up my mind. मुझे कुछ नया ट्राई करना है बस। पूरी जिंदगी मैं कॉलेज में सेम लेक्चर देते हुए नहीं निकाल सकती। आई एम सॉरी। श्री 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 आई हैव टू रन। तालाब की खुदाई देख के क्या करोगी? अरे ऑफिस का काम है और हम प्रधान हैं, हमें जाना ही चाहिए। तुम दोनों बाप बेटी का ना खाना पीना बंद कर देंगे। अरे भाई लेकिन तालाब की खुदाई देख के करोगी क्या? अरे देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? अच्छा वो मजदूर कुदाल चलाएंगे तो उसको देख के क्या सीख लोगी? आप तो कुछ बताते नहीं हैं तो मजदूर से ही सीखेंगे ना। तो हमारी क्रीम काहे लगाते रहते पापा आप? अरे बेटा महकता बहुत बढ़िया, इसको लगाने के बाद इतर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। पहले जमाने में हम रुई का फाहा में इतर लगा के घूमते थे, 10-10 फीट तक महकते रहते थे। जी हाँ मैडम, इतना बेइज्जती किया फिर भी इस आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा तो माने ये काम करोगी है? अरे भाई प्रधान हो, प्रधान के लायक कोई काम होगा तो हम बता देंगे। 2 महीना से यही कह रहे हैं और देखिए हमें गुस्सा आया ना तो डीएम मैडम को फोन कर देंगे, फिर जेल में बैठ के मुंह पे क्रीम लगाते रहिएगा। रिंकी। हाँ पापा। अपने मम्मी को मुंह में टेप लगा दो। कोशिश करके देखो, तुम दोनों से ज्यादा दम है हम में। मैंने बोला था बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस हैशटैग मी टू मदर, लेकिन नहीं। क्या किया उसने? तुम्हारे ईगो को सहलाया, तुमसे कहा कि तुम कितने महान हो, कितने टैलेंटेड हो, बस इतना काफी था फिसलने के लिए। ताहिर really? तुम्हारे लिए कितना काफी था फिसलने के लिए संजय के साथ? घूम फिर के बाद उसी तक आ जाती है। तुमने क्या किया था ताहिर? तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए? तुम रोज छोटे छोटे धक्के मारते रहे मुझे। And when I was completely broken, कुछ किया तुमने उस वक्त? कुछ भी नहीं। डायनासोर है ना अंदर? I can't believe this. You're sleeping with your assistant और मैं सफाई दे रही हूँ. You know what? I slept with Sanjay. लेकिन मैंने तुम्हें सब सच बताया और तुम्हें मौका मिल गया विक्टिम बनने का. और तुम्हें ये मौका मैंने दिया सच बोलकर. लेकिन अभी नहीं. अरे अब क्या, कभी भी नहीं. ताहिर, I'm done.